मैं तैयार हूँ। I have to keep the account। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कलतन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? कब 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 सीखेंगे? सियासी पिच पर जारहाना इनिंग्स, बिलावल भुट्टो की जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब्दीली सरकार पर इल्जाम की बोछाड़ कर दी, कहा एक फोन कॉल पर बेनजीर और आसिफ जरदारी को सजा दे दो, कौम के बच्चों को मारने वालों के खिलाफ कुछ ना करो, तीन बार का मुंतखब बीमार वजीर आजम जेल में है मगर कलदम तंजीमों वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तीन विफाकी वुज़रा पर कलदम तंजीमों से राबतों का इल्जाम, विफाकी काबीना से फारिग करने का मुतालबा कर दिया। रातों को नींदें उड़ी हुई है, हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे। इमरान खान की नवाज शरीफ से क्या आजादी लड़ाई? नवाज शरीफ जो थे वो तो उनके फैन थे, महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान की क्या लड़ाई है आसिफ जरदारी से? जिंदगी में उनकी मुलाकातें भी नहीं होंगी। अपोजिशन को हमने करप्शन पर गर्दन से दबोचा हुआ है, लड़ाई मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ है, वजीर इत्तला फवाद चौधरी का जवाबी वार, खुरम शेर जमान भी मैदान में आ गए, कहा वुज़रा को हटाने का मुतालबा करने वाले बिलावल उजैर बलोच के साथ ताल्लुकात पर क्या कहेंगे, कायम अली शाह और फरियाल तालपुर ने गैंग वॉर के सरगना के साथ तस्वीर बनवाई, दावतें उड़ाई, उजैर बलोच की GIT मंजर आम पर लाने का मुतालबा। के लिए अगले तीन माह जो है वो बिल्कुल क्रिटिकल है, हमारा जो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क था वो तो बन भी गया, जो असल काम है वो ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी भरपूर तरीके से वो काम करना है। वक्त कम मुकाबला सख्त, FATF के हवाले से आइंदा तीन माह बहुत अहम है, वजीर खजाना असद उमर का बड़ा बयान, कहा फ्रेमवर्क मंजूर हो चुका अब अमल दरामद कराना होगा, FBR का डेटा नादरा और वर्ल्ड बैंक के साथ शेयर करने का ऐलान, बेनामी जायदादों के कवानीन बना दिए ये भी बता दिया। अब मियां साहब ने खुद बताना है कि वो चाहते क्या हैं, गवर्नमेंट उनके इलाज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है और हम हर रोज़ उन्हें ऑफर करते हैं कि वो बताएं वो कहाँ से इलाज करवाना चाहते हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो मुंह से खुलकर कहें कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अदालत में जाकर अप्लाई करें कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। क्या जेल की सलाखों के पीछे कोई डील चल रही है? वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, समा को खसूसी इंटरव्यू में कहा नवाज शरीफ जेल में बैठकर किसी से मामला तय करते हैं तो वो आजाद हैं, उनकी डील पर हमें कोई एतराज नहीं होगा, बाहर जाकर इलाज कराने के लिए अदालत जाने का मशवरा। राजा बिशारत का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला के बयानिये से पीछे हट गए हैं, अब वो दूसरी डगर पर चल पड़े हैं। बहरिया टाउन की कराची मंसूबे के लिए 450 अरब रुपए की नई पेशकश, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, बहरिया टाउन से मुतालिक सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद, जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए डील बहरिया से हो रही है सिंध हुकूमत से नहीं, ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी, फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। पंजाब असेंबली के अरकान की मौजें लग गईं, तनख्वाहों और मरात में भरपूर इजाफे का बिल हंसी खुशी मंजूर कर लिया गया, 83,000 महाना तनख्वाह लेने वाले MPA को अब तकरीबन 2 लाख रुपए मिला करेंगे, बेघर वजीर आला को लाहौर में ताहयात घर, 2500 cc लग्जरी गाड़ी और महाना 4,25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, सूबाई वुज़रा को 2,75,000, स्पीकर को 2,60,000 और डेप्यूटी स्पीकर को 2,45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। कराची के कसरे नाज गेस्ट हाउस में 5 बच्चों और 1 खातून की हलाकत का मामला हल हो गया, अमवात कमरे में खतरनाक केमिकल भारी मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से हुई, गफलत बरतने, शवाहिद मिटाने और तफ्तीशी हुकाम को गुमराह करने के इल्जाम में 9 मुलाजमीन गिरफ्तार, मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी, तफ्तीशी अफसर जुमेरात को रिपोर्ट देंगे।